पुलिस भले ही दावा करती रहे कि शहर में जुआ सट्टा बंद है, किंतु जमीनी हकीकत यह है कि शहर में आज भी आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर जुए सट्टे के अड्डे संचालित हो रहे हैं। इस बात की जानकारी पुलिस के अधीनस्थ अमले को भी होती है, किंतु वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया जाता है। हालांकि गुरुवार को सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देश पर कोतवाली TI महेंद्र सिंह परमार ने अपनी टीम के साथ उज्जैन रोड रेलवे ब्रिज के नीचे घेराबंदी कर 16 जुआरियों को धर दबोचा और उनके कब्जे से 22,370 रुपए नगद जब्त कर लिए, जबकि इनके कब्जे से सट्टा पर्ची व अन्य हिसाब 1,25,000 रुपए का मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि जुए सट्टे के अड्डे पर प्रतिदिन लाखों रुपए की हार जीत होती है। पुलिस ने यहां से कमरुद्दीन पिता अब्दुल लतीफ निवासी उज्जैन, जाहिद पिता जाकिर कर्मचारी कॉलोनी देवास, हरि मंगेश उर्फ जादू पिता जगदीश चौहान उत्तम नगर देवास, अब्दुल रजाक उर्फ अरबुचिता पिता अब्दुल सलाम कर्मचारी कॉलोनी देवास, जितेंद्र उर्फ जीतू पिता जगदीश पटेल निवासी इंदौर, असलम खान पिता आगा पठान मोहसिनपुरा, आलम उर्फ बबलू पिता अब्दुल मुजीद कुरैशी जयश्री नगर, ईश्वर पिता तके सिंह सिसोदिया गोपाल नगर इटावा, विजय उर्फ गब्बुलाल साहू निवासी इंदौर, मनोज सिंह पिता उमराव सिंह राजपूत निवासी उज्जैन, दिनेश पिता भगवान सिंह अर्जुन नगर, आशिक शेख पिता याकूब शेख सुतार बाखल, संतोष पिता रामचंद्र सेन सुभाष चौक मुजफ्फरपुर, पिता मुबारक हुसैन पीठा रोड देवास, सुरेश पिता शांतिलाल जैन शाजापुर, विनोद पिता हीरालाल कुमावत संजय नगर अमोना को गिरफ्तार किया गया।